फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब आर्ट गुरु में। आज हम इस वीडियो में लेखक राकेश गोस्वामी की बुक भारतीय आधुनिक समकालीन कलाकार भाग एक से 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस करा दिए हैं। इसके आगे आज हम 151 प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए आपके एग्ज़ाम के समय को ध्यान में देते हुए 151 नंबर से प्रारंभ करते हैं। वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जो हिंदू देवी देवताओं का नग्न चित्रण कर चर्चा में आया? इसमें आपका गुलाम मोहम्मद शेख, गुलाम रसूल संतोष, एम एफ हुसैन, ए आर चुगदाई। तो इसमें आपका जो सही होगा एम एफ हुसैन होगा। 152 नंबर, मकड़ी का जाला नामक इंस्टॉलेशन किसने बनाया? पारितोष सेन, एम एफ हुसैन, अनीश कपूर, विवान सुंदरम। तो इसमें आपका सही होगा एम एफ हुसैन ख। आगे देखें 153 नंबर, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थ्योरामा श्रृंखला किसका है? हुसैन, रजा, गांडे, राम कुमार। तो इसमें आपका जो सही होगा ये आपका होगा हुसैन। 154 नंबर, द हार्स दैट रेज्ड टाइल चित्र किसने बनाया? राम कुमार, शिवदयाल लाल, एम एफ हुसैन, मुखी चौधरी। तो इसमें आपका 154 में ग सही होगा। आगे देखें, श्वेतांबरी श्रृंखला के चित्र किसने बनाए? राजा रवि वर्मा, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, एम एफ हुसैन। तो इसमें आपका जो सही होगा ये घ, एम एफ हुसैन। 156 नंबर, समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट एज बनाया? सतीश कुमार गुजराल, बीबी मुखर्जी, एम एफ हुसैन, आर्यन चक्रवर्ती। तो इसमें आपका सही होगा ग, एम एफ हुसैन। 157 नंबर, किसने अपने चित्रों में मोटी काली रेखाओं का प्रयोग किया है? राम कुमार, एम एफ हुसैन, एस एस रजा, अमृता शेरगिल। तो इसमें आपका सही होगा ख, एम एफ हुसैन। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये एम एफ हुसैन पर है। एम एफ हुसैन से क्वेश्चंस एक दो प्रश्न आ जाता है। 158, एम एफ हुसैन का करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम में है? टाइल, एक्रेलिक, जल, टेम्परा। तो इसमें सही होगा आपका ख, एक्रेलिक। 159 नंबर, प्रसिद्ध चित्र सेकंड एक्ट टाइल के चित्रकार हैं? एम एफ हुसैन, राम कुमार, तैयब मेहता, अकबर पद्मसी। तो इसमें आपका सही होगा एम एफ हुसैन। 160 नंबर, राजस्थान रंग विद टाइगर टाइल चित्र के चित्रकार हैं? कृष्ण खन्ना, राम किंकर बैज, अकबर पद्मसी, एम एफ हुसैन। इसमें सही होगा आपका घ, एम एफ हुसैन। 161 नंबर, ब्लू नाइट तेल किसने चित्रित किया? राम कुमार, कृष्ण खन्ना, एम एफ हुसैन, एस एच रजा। इसमें सही होगा आपका ग, एम एफ हुसैन। 162 नंबर, द थीफ ऑफ बगदाद केमिकल प्रिंट किसकी कृति है? यामिनी राय, एम एफ हुसैन, वानगांग, भूपेन खक्कर। तो इसमें आपका सही होगा ख, एम एफ हुसैन। आगे देखें 163 नंबर, बुद्ध कैनवास पर एक्रेलिक किसका चित्र है?
एम एफ हुसैन, एफ एन सूजा, राम कुमार, भूपेन खक्कर। तो इसमें आपका सही होगा क, एम एफ हुसैन। 164 नंबर, मदर टेरेसा किया। तो राम कुमार, परमजीत सिंह, एम एफ हुसैन, आनंदलाल अनिल। तो इसमें आपका सही होगा 164 में ग, एम एफ हुसैन। 165 नंबर, प्रसिद्ध चित्र एकला चलो रे, इंदिरा गांधी 1985 जल रंग के चित्रकार हैं, एम एफ हुसैन, सूजा, रजा, सुधीर खास्तगिर। तो 165 में आपका सही होगा क, एम एफ हुसैन। आगे देखें, 166 में, प्रसिद्ध चित्र जमीन के चित्रकार हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, एम एफ हुसैन, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो इसमें आपका सही होगा 166 में ग, एम एफ हुसैन। आगे 167, प्रकृति कैनवास पर एक्रेलिक 1997 चित्र किसका है, एम एफ हुसैन, एस एच रजा, एफ एन सूजा, राम कुमार। तो इसमें आपका जो सही होगा ख, एस एच रजा। 168 नंबर, रजा के चित्र बिंदुवाद 1994 का माध्यम है, तैल रंग टेम्परा, जल रंग एक्रेलिक। तो इसमें आपका 168 में सही होगा घ, एक्रेलिक। 169 नंबर, गेस्टेशन कैनवस पर एक्रेलिक 1889 के चित्रकार हैं, राम कुमार, शैलेश मुखर्जी, एस एच रजा, कौतंडे। तो इसमें आपका सही होगा ग, एस एच रजा। 170 नंबर, कुंडलिनी 2001 जो कि कैनवस पर एक्रेलिक माध्यम से निर्मित चित्र है, के चित्रकार हैं, जी आर संतोष, के सी एस पन्नीकर, संतोष गुजराल, एस एच रजा। तो इसमें आपका सही होगा घ, एस एच रजा। 171 नंबर, इन ऑडिबल साउंड कागज़ पर एक्रेलिक 1981 किसकी रचना है, भूपेन खक्कर, एस एच रजा, कृष्ण खन्ना, कृष्ण रेड्डी। तो इसमें आपका सही होगा ख, एस एच रजा। प्रसिद्ध चित्र स्थान 1973 कैनवस पर एक्रेलिक के चित्रकार हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, एस एच रजा, एम एफ हुसैन। तो इसमें आपका 172 में ग सही होगा, एस एच रजा। 173 नंबर, किसने कहा था चित्रकला एक सजीव वस्तु है जो सांस लेती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक एम एफ हुसैन, जे स्वामीनाथन, एस एच रजा, राम कुमार। तो इसमें आपका सही होगा ग, एस एच रजा। आगे देखें, 174 नंबर, किस कलाकार को फ्रांस का प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार मिला, प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार मिला, एम एफ हुसैन, रामबी सुतार, अनीस कपूर, एस एच रजा। तो 174 का सही होगा आपका घ। 175, चित्रकार रजा परंपरा और परिवेश पुस्तक की लेखिका हैं, डॉक्टर मंजूषा गांगुली, डॉक्टर मंजू अग्रवाल, स्टेला कैमरिस, जानिन मोंजिला। इसमें आपका सही होगा क, डॉक्टर मंजूषा गांगुली। 176 नंबर, ब्लैक सन कागज पर गुआचे तथा ट्री कैनवस पर एक्रेलिक चित्रों के चित्रकार हैं, पारितोष सेन, रमेश राणा, डॉक्टर रेखा कक्कड़, एस एच रजा। तो 176 में आपका जो सही होगा एस एच रजा घ, एक सौ एच ये एस एच रजा।
177 राजा ने बिंदु शीर्षक पहला चित्र बनाया था। ये 1980, 1978, 1985, ये 2000। तो इसमें आपका सही होगा 1978 ख। 1978 चर्च 1957 कैनवस पर तेल रंग के चित्रकार हैं SH राजा, जतीन दास, महेंद्रपुरी, विनीत कुमार। तो इसमें आपका सही होगा 178 में क, SH राजा। स्रोत 1972 कैनवस पर एक्रेलिक, आज 1972 इनग्रेविंग व रात 1972 कैनवस पर एक्रेलिक किसके द्वारा निर्मित चित्र है? ये रामकुमार, गायतोंडे, SH राजा, MF हुसैन। तो इसमें जो आपका सही होगा ग, SH राजा। आगे देखें 180 नंबर, विख्यात चित्र बिंदु 1981 कैनवस पर एक्रेलिक के चित्रकार हैं रजा, हुसैन, रामकुमार, शुजा। तो आपका 180 में सही होगा क, रजा। आगे देखें 181 नंबर, अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? MF हुसैन, SH रजा, FN शुजा, KK हेब्बार। तो आपका इसमें 181 में ख सही होगा, SH रजा। 182 नंबर, आज तक का भारत में सबसे प्रभावशाली कला आंदोलन रहा? कलकत्ता ग्रुप, बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र, पेंटर एसोसिएशन। तो इसमें आपका 182 में ख सही होगा, बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। 183 नंबर, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में एकमात्र मूर्तिकार थे FN शुजा, SH रजा, SK बाकरे, HA गावडे। तो 183 में आपका सही होगा ग, SK बाकरे। अगला 84, प्रसिद्ध चित्र नीली औरत के चित्रकार हैं शुजा, रजा, तैयब मेहता, अकबर, पद्मसी। तो 184 में सही होगा आपका क, शुजा। 185, गोवा के भूदृश्य किसने बनाए? FN शुजा, SH रजा, रामकुमार, लक्ष्मण पे। तो 185 में सही होगा क, FN शुजा। 186, लास्ट सफर तैल के चित्रकार हैं NS बेंद्रे, FN शुजा, SH रजा, अमृता शेरगिल। तो इसमें आपका 186 में ख सही होगा, FN शुजा। 187 नंबर देखें, वर्ष 1957 ईस्वी में FN शुजा द्वारा बनाए गए चित्र पोर्ट्रेट ऑफ टाउनशिप का माध्यम है आयल कलर, टेम्परा, वाटर कलर, कलम और स्याही। तो इसमें सही होगा घ, कलम और स्याही। आगे 188, पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट 1949 किसने चित्रित किया? SH रजा, KH आरा, MF हुसैन, FN शुजा। तो इसमें आपका सही होगा घ, FN शुजा। आगे देखें, चर्चित पुस्तक ग्रुप 1890 इंडियाज एंडिजिनस मॉडर्निज, जिसके प्रोजेक्ट एडिटर किशोर सिंह थे, 2016 में किस संग्रहालय दीर्घा ने प्रकाशित की थी? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली, ललित कला एकेडमी नई दिल्ली, बढ़ेरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली।
तो इसमें आपका सही होगा ख दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली। आगे देखिए 190। बनारस घाट के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं यम एफ हुसैन, राम कुमार, आर एस बिष्ट, यस एच रजा। तो 190 में सही होगा आपका ख राम कुमार। 191 बनारस श्रृंखला 1966। कैनवस पर तेल रंग संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली के ख्यातलब चित्रकार हैं यम एफ एन सुजा, यस एच रजा, राम कुमार, गुलाब मोहम्मद शेख। तो इसमें आपका 191 में सही होगा ग राम कुमार। 192 देखें लद्दाख मोनेस्ट्री एक्रेलिक संग्रह कुमार गैलरी नई दिल्ली के चित्रकार हैं राम कुमार, के जी सुब्रमण्यम, जहांगीर साबावाला, यम एफ हुसैन। तो इसमें 192 में क सही होगा राम कुमार। 193 के एस कुलकर्णी का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर। तो इसमें आपका 193 में क सही होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। 194 निम्नलिखित में से एक तांत्रिक कलाकार थे? राम कुमार, तैयब मेहता, यस एच रजा, निरोध मजूमदार। तो इसमें आपका घ सही होगा निरोध मजूमदार। 195 फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय थे? निरोध मजूमदार, मुकुल चंदे, कृष्ण रेड्डी, जय कृष्ण अग्रवाल। तो 195 में आपका सही होगा क निरोध मजूमदार। 196 भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला पर प्रदर्शनी लगाने वाले कलाकार थे? जी आर संतोष, निरोध मजूमदार, केसी यस पन्नीकर, प्रभाकर बर्वे। तो 196 में ख सही होगा निरोध मजूमदार। 97 देखिए शंखो चौधरी का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में, 1925 में, 1937 में, 1940 में। तो 197 का जो सही होगा क 1916। 198 बर्ड कांपर और स्टील के मूर्तिशिल्पी हैं? धनराज भगत, शंखो चौधरी, प्रदोष दास गुप्ता, बलवीर सिंह कट। तो इसमें 198 में आपका जो सही होगा वो ख शंखो चौधरी। अगला स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स मूर्तशिल्प के मूर्तिकार हैं? धनराज भगत, प्रदोष दास गुप्ता, शंखो चौधरी, बलवीर सिंह कट। तो 199 में आपका जो सही होगा वो ग शंखो चौधरी। 200 उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था? धनराज भगत, चिंतामणि कर, बी एस कट, शंखो चौधरी। तो 200 में आपका जो सही होगा ये शंखो चौधरी का। 200 तो फ्रेंड्स ये रहा 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 50 प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।